चलिए, अभी पिछली वीडियो में हमने बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड थ्योरी देखी थी, है ना। अब हमको बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहला जो है कौन सा है कि AlCl3 जो होता है ये डाइमराइज हो जाता है, लेकिन BCl3 जो होता है डाइमराइज नहीं होता, है ना। दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं, सेंट्रल एटम जो है वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करने वाला है, ठीक है। तो दोनों का सिमिलर बिहेवियर एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या है, AlCl3 तो डाइमर बना पा रहा है, लेकिन BCl3 डाइमर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये हमको समझना है, नहीं आपको समझाना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, इट इज R3N एंड R3P, ये पिरामिडल होते हैं, लेकिन SiH3O3N ये प्लेनर होता है, ऐसा क्यों है ये समझाना है, ठीक है ना। ये क्या, दिस इज अल्काइल अमीन, ये ट्राइअल्काइल फॉस्फीन है, और ये क्या, दिस इज ट्राइसिलाइल अमीन है, ठीक है। तो कौन सी चीज बोलिए कि अल्काइल अमीन, ट्राइअल्काइल अमीन, ट्राइफेन, ये ट्राइअल्काइल फॉस्फीन एंड ट्राइसिलाइल अमीन, इनमें इन दोनों की ज्योमेट्री तो पिरामिडल है, लेकिन जो ट्राइसिलाइल अमीन है ये कैसा हो गया है, प्लेनर हो गया है, ऐसा क्यों है ये समझाना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, नहीं कॉन्सर्गेटिव, ट्राइअल्काइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन और ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, इसमें हमको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है ना। ये वाले जो तीन कंपाउंड है, ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन और ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, ठीक है, इसमें ना क्या अरेंज करना है हमको, दैट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। इसके बाद फिर अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा, इट इज कंपेयर सिलिकॉन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ एंड सिलिकॉन नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल, है ना, इन व्हाट विच कंपाउंड, इट इज डाइसिलाइल अमीन एंड ट्राइसिलाइल अमीन, है ना। डाइसिलाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन में कौन सी वाली चीज करनी है, सिलिकॉन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है आपको, और इट इज सिलिकॉन नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड एंगल, इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला है इन द मॉलिक्यूल्स, है ना, इट इज BR3N3, BH3N3 एंड BH2R3N, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें आपको बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, रोटेशन अलोंग बॉन्ड लेंथ, इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं, बोरॉन के ऊपर क्या लगा हुआ है, इट इज हिज R3N, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, R3N3, फिर इधर R3N3 BH, इधर R3N BH2, इन तीनों में बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और क्या कंपेयर करना है हमको, इट इज बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन एनर्जी है उसकी कंपैरिजन करनी है, समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, नहीं क्या रहेगा, दिस मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, और ये कौन सा है, दिस इज व्हाट दैट, सिलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो इसमें बोला है जो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट है ये बेंट या एंगुलर होता है, ठीक है, लेकिन जो सिलाइल आइसोथायोसाइनेट है ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ऐसा क्यों है ये समझाना है, ठीक है ना। क्या है, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बेंट या एंगुलर है, लेकिन सिलाइल आइसोथायोसाइनेट जो होता है ऑलमोस्ट लीनियर होता है, ये समझाना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है CHF3, है ना, दैट इज फ्लोरोफॉर्म एंड CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है ना। फ्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म इनमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों होगा, ये वाली कंपैरिजन करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर Cl2O H2O एंड दिस इज व्हाट दैट, डायसिलाइल ईथर, ठीक है ना, इट इज Cl2O H2O एंड डायसिलाइल ईथर, इनमें बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने हैं, ठीक है ना। Cl2O H2O एंड इट इज व्हाट दैट, डायसिलाइल ईथर, इनमें क्या करना है हमको, बॉन्ड एंगल्स की कंपैरिजन करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो कॉन्सर का, दिस इज कंपेयर बॉन्ड एंगल एंड लिगेंड कैरेक्टर इन PH3 एंड PF3, ठीक है। PH3 और PF3 इनमें हमको लिगेंड कैरेक्टर को भी कंपेयर करना है और बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये सोचिए, फिर इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम।